ज्ञान की, जय हो गुरु गोरखनाथ की, जय हो गुरु सुखदेव महाराज की, जय हो गुरु सुखदेव महाराज की। हमारा टेम्पल, इसके ऊपर नाम वगैरह भी लिखा हुआ है और एक व्हाइट कलर का और एक भगवे कलर का जो है झंडा भी ऊपर लहरा रहा है, ठीक है ना। ओम भूर भव स्व तौषेयतुर वरेण्यम भार्गो देवस्य। तो दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के दिन हिंदू भाई बहन पाकिस्तान के अंदर आप लोग देख लो, आप लोगों को भी देखकर मजा आएगा। पहली बार ये एक अच्छी वीडियो देखने को मिली, हिंदू भाई बहन भगवा लहरा रहे हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और मंदिर के अंदर सेवा कर रहे हैं। आप लोगों को पता है पाकिस्तान में ऐसी वीडियो कभी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ये पाकिस्तानी इतने जालिम है, कहीं ने हिंदुओं के मंदिर तोड़ देते हैं, ये लोग अगर भगवा लहरा दे तो इन लोगों को मार देते हैं। पाकिस्तान में आप लोगों को पता है हिंदुओं के साथ कितना जुल्म हो रहा है। तो ये एक वीडियो अर्चन भाई की मेरे को अच्छी लगी, तो कम से कम मैंने सोचा ये एक वीडियो हमारे भारतीय भाई बहनों को बताया जाए, तो कहीं ना कहीं इनके दिल को सुकून मिले कि भाई पाकिस्तान में जो भी हिंदू भाई बच्चे हैं, बाकी तो इन लोगों को ये पाकिस्तानियों ने या तो इनको धर्म कन्वर्ट करवा दिया हिंदुओं का, या हिंदू भाई बहन खुद डर कर छोड़कर इंडिया या दूसरे देशों में चले गए, लेकिन जो बच्चे हैं वो भी बेचारे डर कर कम कहीं ना कहीं सनातन धर्म को नहीं छोड़ रहे हैं। वो लोग कैसे भी है, चाहे अपनी जिंदगी दुख गुजारे, सुखी गुजारे, चाहे गरीबी में गुजारे, लेकिन सनातन धर्म में है और अपने भगवान की पूजा कर रहे हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। तो अच्छी वीडियो थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ साझा की जावे। आप लोगों देखो, इंटरेस्टिंग वीडियो है। और ये देख लो जी, ये हमारा इलाका है, वहाँ पर ना मतलब के अंधेरा हो गया, तो फिर जो है इतना ज्यादा हम शूट नहीं कर पाएंगे। तो भाई साहब, ये रास्ता आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा डेंजर रास्ता है यार, यहाँ का जंगल है भाई, यहाँ से बहुत मुश्किल है यार, ये देख सकते हो आप लोग कितना ज्यादा खतरनाक है और हाथ पे तो झाड़ियाँ लग रही है, वो डरावना इलाका है ये भाई। अभी शुरुआत हो चुकी है इस इलाके की, अभी तकरीबन 2-2.5 घंटे का हमारा सफर है और 2-2.5 घंटे जो है इसी तरह का रास्ता चलेगा। ये देख लो भाई, रास्ता जो है बहुत ही ज़्यादा कठिन है यहाँ पे जाना, ठीक है ना। ये देख लो भाई, ये देख लो भाई, यहाँ पर जो है इसे मतलब की पहाड़ भी कहा जाता है, गाना गाना पड़ता है, तो है पानी 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 कहा है इधर पानी पानी पानी। और यहाँ पर हमारे साथ एक और भगत भी आ चुका है, पहले हम लोग 2 जा रहे थे और अभी ये तीसरा भगत भी जो है हमारे साथ जुड़ चुका है। आपका तार्थ मेघनाथ जी, मेघनाथ जी, भगत मेघनाथ भी हमारे साथ जुड़ चुका है। यहाँ पर आप एरिया देख सकते हो, पूरा का पूरा जो है जंगल है भाई, जंगल। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी हमारा स्वागत करने के लिए यहां पर संगत भी आने वाली है काफी ज्यादा। ये देख सकते हो अभी इधर भी कुछ भगत है
और वो हमारे भगत है जी, तो अभी आएंगे जी हमारा स्वागत करेंगे और आगे ले जाकर आपको मेहमानों से भी मिलवाते हैं जी। और ये हमारी गाड़ियां हैं जी, यहाँ पर खड़ी हुई है, ये देख लो जी नबी भाई कैसे तैयारी कर रहा है। एक एक हाथ में दे दो सबके, तू ही हो जा भाई, कौन पठान जान। अच्छा बद्रीनाथ, ये बड़े वाले ना जाएगा, बड़े वाले उसको वो लीड है ना, वो लीड लीड दे दे सकता है। आ जाओ ए पकड़ कर जे भगवान की जय हो, गुरु गोरखनाथ की जय हो, जय गुरु सखदेव महाराज की जय हो, जय गुरु सखदेव महाराज की जय हो, जय गुरु गोरखनाथ की जय हो, जय भगत भगवान की जय हो, जय गुरु सखदेव महाराज की जय हो, जय महाराज नवलनाथ की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो नरसिंहनाथ की जय हो, जय पप्पू नाथ की जय हो, भलता की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, धन हो, धन हो, धन हो, फूल बात थोड़ा उठाओ, फूल बात बाद में फूल आ गया के फूल आ गया। आइए मनु भगत की जय हो, मनु भगत की जय हो, ये फूल बाद में बाद वगैरह सब तैयारी के पूजा वगैरह थोड़ा का स्वागत हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुल्तान रहा जय गुरु गोरखनाथ की जय हो, जय गुरु सखदेव महाराज की जय हो, जय हो भक्तों की जय हो। तो आज बड़ी आज अच्छो प्रोग्राम हारो गुरुदेव आ गया है नरसिंहा नाथ करे और 239 चक में आज सत्संग रो प्रोग्राम है शाम रो, तो क्या ही बात है। और हमारे घरे गुरुदेव आया है जी, माना बहुत खुशी होनी चाहिए जी, और ईश्वर की दुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज नरसिंहा नाथ रे घरे गुरु सुखदेव आइया और आवाम और चेला और भगत संत महाराज नवलनाथ साहब सब आम भेड़िए बहुत बहुत अच्छे प्रोग्राम खां, अच्छे ज्ञान खां, अच्छे ध्यान खां और आज अच्छी भक्ति और आज सनातन धर्म रो मारो ज्ञान और बहुत बहुत जबरदस्त चलखे। जय हो गुरु गोरखनाथ की जय हो। पप्पू भाई या होने जय भाई पप्पू की जय हो। आगे जो मुनि जी आगे रही फेल आ रहे। सो गाइस मारो जो आयो माना दुखा खा गुरु देव बचायो बचायो गुरु देव इथे आयो दीदर माना करायो मंदिर में खारा ना भेड़ा जो लायो गुरु देव इथे जो आयो दीदार माना था करायो मेरे इथे नरसिंहनाथ भरायो मारो गुरुदेव इथे जो आयो। ये मंदिर है जी, अभी अंदर चलते हैं। बहुत बहुत मेहरबानी धन्यवाद नरसिंहनाथ की जय हो। अच्छा जय हो, जय हो। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवा वासुमिश्रय आदि पुरुष परम पार अलख प्रसन्न महा ईश विराम विश्व शक्ति मार पार बिना जिन मान न्याय काल गया में ईश्वर आपके महिमा का कोई पार नहीं। नाथ नमः ओम शिव गुरु गोरखनाथ नमः ओम शिव गुरु गोरखनाथ नमः हरि ओम शांति हरि ओम हरि ओम। जिसको हम गुरु कहते हैं या गुरु बनाते हैं शिष्य बनते हैं तो वही दिन है आज गुरु की महिमा करने का और गुरु की तारीफ करने का, वही दिन हमारा इसको कहा जाता है गुरु पूर्णिमा। साल के बाद गुरु पूर्णिमा का त्यौहार आता है, यानी अपने अपने गुरुओं के नाम पर प्रसाद बांटना, गुरुओं के नाम पर आशीष लेना और यही आज हमारा प्रोग्राम है। तो मैं धन्यवाद हूँ नरसिंहा राम जी का, साजेंद्र नाथ जी का। कली सीता को प्यारो राम को प्यारी पार्वती जी राधा को प्यारो श्याम बोले को कैसे मैं मानूं रे।
बहुत धन्यवाद। तो अच्छा थन्ना गायत्री मंत्र जके ना भी वो हाथ हो चुका है आपको गायत्री मंत्र ये कितना छोकरा रे मैना बच्चा रे मैना मैं पूछो जावी भगता ना थे भगतो ठीक हो गयो थे ये जो को रूप है ईश्वर रूप है ठीक हो गयो तो ये रे में ना गायत्री मंत्र पढ़नो अपनो धर्म सही है जा कोनी तुम छोड़ बोल तो रहे सही है कोनी ओम भूर भव स्व तासेतुर वरेण्यम भार्गो देवस्य धीमहि धियो आयो नम प्रचोदया जय हो। नाम दारू की है मोहनलाल कब तारे बाबा ये तारियों की फायदो है तारी रो मतलब की है तारी क्या मारे यार बज्जा पुत्र अच्छा मोटा भी थे बैठो तारी रो मतलब की है भाईजान प्रभु भाई होते हैं थोड़ा ज्ञान करते हैं गुस्सा भी कौन करना ये मैं बच्चा ना समझ ला के आप ते में फाल कर ही खा लग जा तारी रो जो को मतलब है ये तारी मार देना पर तारी मतलब है सारा हौसला अफजाई। तो भाई ये था बंदर जो के रात को कल भाई अच्छे से मेरे ख्याल में नहीं दिखा पाया था ठीक है ना। ये देख लो जी ये है जी हमारा टेम्पल इसके ऊपर नाम वगैरह भी लिखा हुआ है और एक वाइट कलर का और एक भगवा कलर का जो है झंडा भी ऊपर लहरा रहा है ठीक है ना। और इसको भी भगवा कलर किया हुआ है ये मैं आपको इधर से भी दिखा देता हूँ। और गाइस मैं आपको बताता चलता हूँ ये सब जो है ना यानी कि गाँव आप लोग देख सकते हो हमारा हिंदू वैलेज है ये देख लो जी वहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं और यहाँ के घर जो है घर के हालात कुछ इस तरह के हैं। ये डेजर्ट में जो होता है ना घर मतलब के वो इसी तरह के होते हैं। आज बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाए और नरसिंह नाथ के घर और जैसे आज भक्ति का और सत्संग का बहुत अच्छा प्रोग्राम बना था। और रात जो इधर भक्ति है अभी जो सब भक्ति के भगत जो आए थे अच्छे अच्छे वो चले भी गए हैं गुरु सुखदेव बैठे हैं अभी हम भी तैयार हो रहे हैं हमारा नौल्ला साहब और हमारे लीडर जो है अभी इधर से अभी तैयारियों में हैं अभी हर अपना हर बंदा घर जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जय श्री राम की जय बोलो गुरु गोरखनाथ की। खेजड़ी का दरखत ठीक है ना तो ये खेजड़ी का दरखत है और इसके नीचे जो है ना ये खड़ा बना हुआ है धाम तो वहाँ पर धूला वगैरह भी लगता है ये लगाते हैं। यहाँ पर भगवे कलर का कुछ कपड़े वगैरह भी पड़े हुए हैं इसके ऊपर भी वो चोटी के ऊपर ना झंडा लगा हुआ है ठीक है ना ये देख सकते हो। और इधर एक पुराना सा कब्र है यहाँ पता नहीं किस चीज़ का ये वाला कब्र मेरे ख्याल में कुछ ओल्ड है ये सुल्तान भाई भी आ गए इधर और एक इधर गांव है यहाँ से ऊपर जाएगी इस तरीके से ठीक है ना। तो जिस भाई के घर में आए हैं ये जो उनकी औकात है तो यहाँ पर चार पहिया वगैरह लगी पड़ी है और इधर हम बैठने वाला है जी। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने गुरु पूर्णिमा के दिन हिंदू भाई बहन जो पाकिस्तान में रहते नाम मात्र के हैं क्यों अब हिंदुओं को या तो ज्यादातर धर्म कन्वर्ट करवा दिया या पाकिस्तान के हिंदू छोड़कर इंडिया या दूसरे देश चले गए जेकि लोग भी पीछे बचे हैं वो लोग आज आप लोग देखा आप लोगों के मन को भी कहीं ना कहीं तसल्ली मिली होगी वो लोग भगवा लहरा रहे हैं और अपने मंदिर में सेवा कर रहे हैं। तो ये एक जानकर ये एक वीडियो देखकर खुशी हुई कि भाई पाकिस्तान में कहीं ना कहीं काफी सालों बाद पहली बार ये एक अच्छी वीडियो देखने को मिली। ये भी हमारा हिंदू भाई है अर्चन भाई उसने वीडियो बनाई तो कहीं ना कहीं उसके भी हिम्मत को दाग दी होगी आप लोगों ने और मैं भी उसकी हिम्मत को दाग दू दे रहा हूँ कि भाई वो पाकिस्तान में सनातन धर्म की पूजा कर रहा है और लोगों में सनातन धर्म की भावना जगा रहा है और बढ़ा रहा है सनातन धर्म की भावना। तो इंटरेस्टिंग वीडियो थी आप लोगों को पता है पाकिस्तान मंदिर बनाना तो दूर जो मंदिर बने हैं वो भी हिंदुओं के मंदिर तोड़ रहा है और हिंदू खुद इतने डर रहे हैं इन पाकिस्तानियों से कि भाई वो खुद उनके सामने मंदिर बनाने की
ख्वाहिश नहीं रखते या उनके सामने मंदिर में सेवा करने की ख्वाहिश नहीं रखते। और वैसे भी पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या अब नाम मात्र की है और वो भी इतने गरीब है। पाकिस्तान में अगर सबसे गरीब देखें तो वो हिंदू है। आप लोग आए दिन देखते हो हिंदुओं के साथ में बहन बेटियों को उठा लेते हैं, ये लोग धर्म कन्वर्ट करवा लेते हैं, तो इसी चक्कर में छोटी छोटी बेटियों का बहनों का पाकिस्तान में हिंदू भाई शादी विवाह कर देते हैं। क्यों? उनको यही डर है कि भाई इन जालिमों की नजर ना पड़ जावे और अपनी बहन बेटी को किडनैप नहीं कर ले। तो ये एक अच्छी वीडियो थी कि भाई चलो पाकिस्तान में ये दो मंदिर बने हैं और लोग भगवा लहरा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है। और ये मंदिर मेरे को भी देखकर मजा आया तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में भी ये वीडियो साझा की जावे ताकि कहीं ना कहीं आपके मन को भी तसल्ली मिले कि भाई पहली वीडियो कम से कम पाकिस्तान में अच्छी देखने को मिली है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।